हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी पॉइंट। स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, इस पर्टिकुलर वीडियो में आज हम हिंदी के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक तत्सम तद्भव को डिस्कस करेंगे और इसको हम लोग पढ़ेंगे ट्रिक के साथ। और ट्रिक के समझने के बाद आप मिनिमम 5 मिनट में आपके 500 शब्द आपके तैयार हो जाएंगे। देखिए, जो हिंदी का टॉपिक है, बाकी और टॉपिक की बात करें तो उनके कुछ रूल हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप उसको याद कर सकते हैं। बट बात रही तत्सम तद्भव की, तो आप कोई भी बुक खरीद लीजिए, बस बस आपको लिस्ट दे दी जाती है। एक तरफ तत्सम लिखा होता है, एक तरफ तद्भव लिखा होता है, आपको वो रटना होता है। तो यहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक की सहायता से तत्सम तद्भव शब्द को पहचानने की कोशिश करेंगे। तो चलो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले, अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं या चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगे तो उसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले तो ट्रिक को समझने से पहले आपको ये समझ में आना चाहिए कि तत्सम तद्भव होते क्या हैं। तत्सम क्या होता है? तत्सम का पहले अगर हम लोग ब्रेक करें, उसका तोड़ें, तो बनता है तत् और सम। ठीक है, तो तत् मतलब होता है उसके, सम होता है समान। बट किसके? यानी कि संस्कृत के समान। संस्कृत ही क्यों? क्योंकि जो हिंदी है आपकी, ये संस्कृत से ही निकल करके बनी है। तो तत्सम शब्द का अर्थ होता है उसके समान, यानी कि संस्कृत के समान। अलग अगर हम और बात करें तो ये भी कहा जा सकता है कि जो शब्द संस्कृत के एज इट इज़, यानी कि सेम टू सेम हम लोग यूज़ करते हैं, उसको हम लोग कहेंगे तत्सम। ठीक है, अगर हम लोग बात करें तद्भव की, तो तद्भव शब्द क्या होते हैं? देखिए, तद्भव शब्द वो होते हैं, जैसे कि जो तत्सम शब्द होते हैं इनमें अब बदलाव कर दिया जाए हल्का सा। क्यों बदलाव कर दिया जाए? ताकि बोलने में आराम हो। मुख सुख के आधार पर जो तत्सम शब्दों में बदलाव किए जाते हैं वो हमारे कहलाते हैं तद्भव। तो तत्सम शब्द में अगर आप हल्का सा बदलाव करते हैं तो जो शब्द निकल कर आता है उसको हम लोग कहते हैं तद्भव शब्द। देखिए, तत्सम तद्भव तो एग्ज़ाम में पूछा जाता है, बट कभी कभी एग्ज़ाम में आपसे पूछ लेते हैं कि अर्ध तत्सम शब्द क्या होते हैं। देखिए, अर्ध तत्सम शब्द वो होते हैं तत्सम शब्दों में अगर हल्का सा बदलाव कर दिया जाए, बहुत ही कम बदलाव किया जाए, इतना बदलाव ना किया जाए कि वो तद्भव बन जाए, तो वो अर्ध तत्सम कहलाते हैं। जैसे कि आप एग्जाम्पल मान सकते हैं नारी। ओके, तो तत्सम तद्भव शब्द आपको आ गया पहचान में। तो तद्भव होते हैं जो बोलने में हमें आराम हो, तो जो संस्कृत के शब्दों में हम लोग बदलाव कर देते हैं वो हो जाते हैं तद्भव। ठीक है, अब हम लोग ट्रिक पर आते हैं। देखिए, जो तत्सम शब्द होगा तत्सम, उसमें लास्ट में होता है ड़ा। ठीक है, तो ड़ा बदल करके बन जाता है ना, किसमें? तद्भव में। ठीक है, तत्सम में होता है ड़ा और तद्भव में बन जाता है वो ना। एग्जाम्पल आप लोग देख लीजिए, घृणा। ठीक है, घृणा है आपका तत्सम शब्द और ये हो जाता है घिना, ये हो जाएगा आपका तद्भव। बात करें किरण की, तो देखिए लास्ट में आपको यहाँ पे ड़ा दिख रहा है, तो ड़ा किस में बदल गया है? ना में, तो ये हो गया आपका तद्भव। तीसरा है देखिए कर्ण, तो ड़ा किस में बदल गया? ना में। ठीक है, इसी तरह आपका त्रिगुण हो गया और त्रिगुणा भी हो गया। तो पहली ट्रिक तो ये है, आपको याद कर लेना है तत्सम शब्द में ड़ा होता है, जो कि तद्भव अगर बदलता है तो वो बन जाता है ना में। ठीक है, ये तो हो गई पहली ट्रिक। कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। स्वर्ण, देखिए स्वर्ण इसका हो जाएगा सोना, ड़ा किस में परिवर्तित हो गया? ना में। लक्ष्मण का हो गया लखन और पूर्ण का हो गया पूरा। देखिए, कुछ कुछ शब्द ऐसे होंगे जो उनका रूल ड़ा और नाम में नहीं होगा। देखिए, कुछ अपवाद भी होते हैं, तो 98% है कि आपके ये रूल काम करेंगे। 98 या 99 आप लोग मान लीजिए, 1% आप लोग मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ अपवाद शब्द होते हैं उनमें ये रूल नहीं लगता है। कोण का आपका हो गया कोना और कंकड़ का हो गया आपका कंगन। ठीक है, अब हम लोग आते हैं ट्रिक नंबर 2 पर। देखिए, पहली ट्रिक के अकॉर्डिंग आप लोग 100 शब्द आपके तैयार हो जाएंगे। मैंने कुछ सेलेक्टेड ही एग्जाम्पल दिए हैं, बुक में ऐसे आपको बहुत से एग्जाम्पल मिल जाएंगे। देखिए, जो तत्सम शब्द होगा उसमें जो क्षत्रिय वाला श होता है
ये बदल जाता है खा में, और त्रा बदल जाता है ता में, और ग्या बदल जाता है जा में। इस ट्रिक को एकदम माइंड में आप लोग बैठा लीजिए। उदाहरण देख लेते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या, शीर, तो ये बदल गया किस में, खीर में। क्षेत्र बदल गया खेत में, अक्षर बदल गया आखर में। यहाँ पे छ, ये बदल जा रहा है खा में, ठीक है, गॉट इट। इसी तरह देखिए चैत्र, ये त्र, मैंने बताया था त्र बदल जाएगा किस में, ता में। चैत्र का हो गया चैत, गोत्र का हो गया गोत, अंग रक्षक का अंग रखा, छुर का हो गया खुर, छत्र का हो गया छत, धरित्री का हो गया धरती, और नक्ष का हो गया नखत। तो आपको याद कर लेना है ट्रिक नंबर टू, दिस वन। और याद रखिएगा जहाँ पे क्ष, त्र, ज्ञाएँ वो क्या हो जाते हैं, तत्सम, और इनका परिवर्तन होता है तद्भव में, खा बदल जाता है, और फिर त्रा का ता हो जाता है, ज्ञा का जा हो जाता है। ये कुछ सेलेक्टेड एग्जाम्पल मैंने दिए हैं बुक में, आपको इसमें इसी से रूल पे रिलेटेड बहुत सारे शब्द आपको मिल जाएंगे। परीक्षा परख, पुत्र पूत, पौत्र पोता, मित्र मीत, इस सब आपको अच्छे से याद कर लेने हैं। भिक्षा का हो जाएगा भीख, देखिए ये खामे बदल गया। वर यात्रा का हो गया बारात, देखिए मैंने कहा था कुछ अपवाद होते हैं उन पे ये रूल नहीं लगेगा, तो इसको मैंने इसमें इंक्लूड कर लिया है। देखिए ट्रिक नंबर तीन क्या है, ट्रिक नंबर तीन ये है तत्सम तद्भव की। तो जो चंद्र बिंदी होती है, चंद्र बिंदी समझते हैं ना, चांद पर ये बिंदी, ये चंद्र बिंदी होती है, जहाँ पर ये लगेगा वो आपका कौन सा शब्द हो जाता है, वो होता है तत्भव, ठीक है। चंद्र ये है तत्सम, ताम्र है तत्सम, मुख है तत्सम, दंत है तत्सम, और जब ये बदल गया तो ये हो गया चांद, ठीक है, तो ये हो जाएगा तत्भव। मैंने कहा चंद्र बिंदी वाले शब्द होते हैं तत्भव, ताम्र तांबा, मुख मुंह, दंत दांत। देखिए कभी कभी आपसे पूछा जा सकता है कि तत्सम शब्द को पहचानिए, तत्भव को शब्द को पहचानिए, और कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि तत्सम को तद्भव में बदलिए या तत्भव को तत्सम में बदलिए, तो ये रूल आपके हमेशा ही यूज में आएंगे। देखिए ये पार्ट वन था तत्सम तद्भव पहचानने का, उनको बदलने का, और तीन ट्रिक मैंने इसमें आपसे डिस्कस की। देखिए वीडियो आपको लाइक करें तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या इस वीडियो के आपको सेकंड पार्ट चाहिए या नहीं, ठीक है, जैसा रिस्पांस होगा मैं वीडियो को प्रोवाइड करूंगी। देखिए ऑल द बेस्ट आपके, आप लोग के जो आने वाले एग्ज़ाम हैं, और स्टडी पॉइंट यूट्यूब को आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।